बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो भले ही पर्दे पर कमाई ना कर पाई हूँ, लेकिन उन फिल्मों में कुछ ऐसे कुछ ना कुछ खासियत ज़रूर होती है जिसके चलते वो फिल्म दर्शकों के जहन में इस कदर बस जाती है कि ऐसी ही फिल्म है साल 1997 में आई राजा की आई की बारात, जिसमें अभिनेत्री के रूप में रानी मुखर्जी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म में इनके राजा यानी कि हीरो बने थे अभिनेता शादाब खान, जिन्होंने इस फिल्म में राज की भूमिका निभाकर इनके साथ काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री पर्दे पर पेश की थी और दर्शकों के बीच में अपनी खास पहचान भी की थी। लेकिन दोस्तों, फिल्म में राजा की भूमिका पर्दे पर पेश करने वाले अभिनेता शादाब खान के बारे में तो आप सब कुछ जान ही गए होंगे, लेकिन शायद ही आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते होंगे कि आखिरकार इनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, वो सभी क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं। तो ऐसे में तो ये हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आपको शादाब खान की पूरी रियल लाइफ फैमिली से रूबरू करवाएं। तो फिर चलिए फटाफट से जान लेते हैं इनकी फैमिली के बारे में सब कुछ, लेकिन उससे पहले अभिनेता के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। राजा की आई की बारात फिल्म में राज की भूमिका पर्दे पर उतारने वाले अभिनेता शादाब खान का जन्म मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ, जिनके इस परिवार में इन्हें कुल मिलाकर 5 लोग हैं, जिनमें ये हैं इनके माता पिता, इनके भाई बहन और इनकी पत्नी शामिल हैं। बात कर ली जाए इस परिवार की तो बता दें कि इनके परिवार की शुरुआत होती है इनके पिता से, जिनका नाम अजमत खान था, जो कि पेशे से एक बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे थे, जिनसे आप सभी ने गब्बर की किरदार से अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। वहीं बताते चले कि इनके पिता अमजद खान साल 1992 में हार्ट अटैक के चलते दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन आज भी इनके पिता को कालिया, याराना और सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों के लिए याद किया जाता है। पिता के बाद बात की जाए इनकी मम्मी के बारे में तो इनकी माता का नाम शैला खान है, जो कि पेशे से अभिनेत्री रह चुकी हैं, जिन्हें आप सभी ने रामा हो रामा और जन्म से पहले जैसी कई फिल्मों में देखा होगा। लेकिन शादी के बाद इन्होंने अपने घर गृहस्थी संभालने पर ध्यान दिया, जहां आज लाइमलाइट से दूर मुंबई में ही अपने बच्चों के बीच में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वहीं बात करें इनके भाई बहनों के बारे में तो बता दें कि इनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम सीमाब खान है, जिन्होंने एक क्रिकेटर के रूप में अपने करियर को सिलेक्ट किया और आज भी एक स्टेट लेवल के क्रिकेट के रूप में काम करते हैं और साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी हैं। वहीं बात की जाए इनकी बहन के बारे में तो इनकी एक बहन है जिनका नाम अहलम खान है, जिन्होंने कभी बतौर फिल्म एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत तो की थी, लेकिन इन्हें भी बतौर एक्ट्रेस सफलता मिल नहीं पाई तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जफर कराची वाला के साथ शादी कर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। दूसरी तरफ क्योंकि आज शादी कर अपना घर बसा चुके हैं भाई, इसीलिए इनके परिवार में इनकी पत्नी और ससुराल वाले भी शामिल हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर ली जाए इनकी पत्नी के बारे में तो बता दें कि इनकी पत्नी का नाम रुमाना अचवा है, जिनसे इन्होंने 15 जुलाई 2005 को शादी रचाई थी, जिसके चलते इनकी इस शादी को आज पूरे 15 साल का समय हो चुका है। इसके बावजूद इनका रिश्ता आज भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, दोनों के बीच में पहले जैसा ही प्यार और बॉन्ड बरकरार है। जहां शादाब खान अपनी वाइफ के बारे में बताते हैं कि इनकी वाइफ ही वो शख्स हैं जिन्होंने इन्हें हमेशा ही लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है और आज अगर ये किसी मुकाम तक पहुँच पाए हैं तो उनमें इनकी वाइफ का ना काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रहा है। अंत में बात कर लेते हैं इनके लव अफेयर्स के बारे में तो बता दें कि यूँ तो शादाब खान इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय तक मौजूद रहे, लेकिन बावजूद इसके आज तक इनका नाम सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स के साथ जुड़ा, जो कि आज इनके धर्मपत्नी के रूप में जानी जाती हैं। दोस्तों, शादाब खान की फैमिली के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, क्या रहा आपका रिएक्शन, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया और रिएक्शन दोनों ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी और दिलचस्प वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।